हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल शिवानी किचन में। आज मैं बनाऊंगी गट्टे की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी होती है, बच्चों को भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैं बेसन लूंगी। ये मैंने आपके सामने ये बेसन ले लिया है। ये बेसन की क्वांटिटी देख लीजिए आप, इतनी है। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर, हींग। ये हमने थोड़ी सी हींग डाल दी इसमें। ऑयल डाल देंगे हम इसमें। इसमें हम वाटर डालेंगे। इसको पहले थोड़ा सा हम ऑयल वगैरह मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पतला नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे हम। ये हमारे हाथ पे इतना चिपक रहा, हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे अपने हाथ में, थोड़ा सा बिल्कुल हाथ में। अब ये चिपकेगा नहीं, सॉफ्ट हो जाएगा। हम इसको थोड़ी देर ऐसे कर लेंगे जिससे कि हमारा ये गट्टे हमारे सॉफ्ट बने। इसमें हमने बेसन मिक्स करा था, अब इसमें इसी में हम इसको धोएंगे नहीं, हम इसी में हम कर डाल देंगे दही एक चम्मच, दो, बट फिर हम वाटर डालेंगे, पानी, और मिक्स कर देंगे अच्छे से। बेसन थोड़ा सा जो नीचे चिपक रहा है वो जब तक हट जाएगा इसमें, जब तक हम गैस पे पानी चढ़ाते हैं। ये बेसन हमने रखा था, ये हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसको हम शेप देंगे, इसको लंबा कर लेंगे। ये हमने शेप दे दी है बेसन की, ठीक है। ये हमने ऐसे से लंबा कर दिया है इसे हाथ से। अब ये पानी बॉईल हो चुका है, ये मैं पानी में डाल दूंगी। ये हमारे बॉईल हो रहे हैं, जब तक हम उस दही को देख लेते हैं अच्छे से, हमारा दही भी हमारा कैसे हो जाए उसको अच्छे से चला लेते हैं। इसको हम ऐसे रूखे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये हमारे। तो ये हमारे रेडी हो गए, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने इसमें निकाल लिया है, इसको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम। थोड़ा सा नमक और हल्दी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम दही डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करने में डाले, नहीं तो हमारा दही जो है वो सारा फट जाएगा, इसलिए हम उसको थोड़ा सा कूल कर देते हैं। गैस हमारी बंद है, इसमें हम धीरे धीरे करके दही डालेंगे। ये हमने दही डाल दिया इसमें, इसमें हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे। इसमें हमने वाटर डाला। आपको बहुत गाढ़ी सब्जी खानी है तो पानी कम रखिएगा, आप पतली पतली खाते हैं सब्जी तो आप पानी ज्यादा रखिएगा। तो ये हमारा फट जाता है, दाने से हो जाते हैं सब्जी, पानी अलग हो जाता है। हमने थोड़ा सा आटा लिया है, थोड़ा सा आटा लिया है, इसको हम बिल्कुल पतला घोल लेते हैं, इसको एकदम पतला। आटे को मिक्स कर लिया है पानी डाल के, इसको बिल्कुल पतला
इसको हम धीरे धीरे इसको मिक्स करते रहेंगे और धीरे धीरे हम इसको डालते रहेंगे। ये हमारा इससे सब्जी हमारी बिल्कुल भी दही की फटेगी नहीं। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। हाई फ्लेम पे थोड़ा सा गैस पे रख के हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे इसे हम। मैंने इस गट्टे को अब इसमें डाल दिया है। बॉईल हो चुकी है ये सब्जी। अब एक बार इसको तेज आंच में जब तक ये होता है हम इसका तड़का बनाते हैं। इसको हमने धीमी आंच पे रख दिया है। रुक रुक के इसे चलाते रहिएगा जिससे कि हमारी सब्जी नीचे लग ना जाए। और इधर हमने गैस पे ये चढ़ा दिया है। रिफाइंड डालेंगे, आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया मैंने इसमें। इसमें आप गार्लिक भी डाल सकते हैं और ओनियन भी। मैं सिंपल जीरे की चॉप की खाती हूँ तो मैं वो बनाऊंगी सिंपल। गर्म हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, बिना हींग के मैं खाना नहीं बनाती। गैस बंद कर दूं, जीरा डालूंगी थोड़ा सा। रेड चिली पाउडर। जब हमारी ये सब्जी रेडी हो जाएगी हम इसको डाल देंगे इसके ऊपर। इसको हम साइड कर देते हैं ये एकदम पानी पानी ना हो, तो इसलिए इसको जब तक पका जब तक ये थिक नहीं हो जाता। ये थिक हो गया है अब, तो इसमें मैं अब तड़का लगा देती हूँ। ये जो हमने बनाया था ये इसके ऊपर से। ये देखिए आप सब्जी, इसमें ऊपर से आप हरा धनिया डाल दीजिएगा। ये देखिए गट्टे की सब्जी हमारी तैयार हो गई है। ये बिल्कुल भी फटी नहीं है, खूब थिक हो गई है। और अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जाके और मुझे सपोर्ट दीजिए। मैं जिससे कि आपके पास ऐसी ऐसी डिशेस लेके आऊं और ऐसे ऐसे ट्रिक भी लेके आऊं आपके पास। और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू।